हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिजिटल स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज की क्लास में जो करने वाले हम लोग कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीवी यांत्रिकी के सेक्शन वन एग्जाम के लिए हम लोग रीजनिंग का कुछ मॉक टेस्ट करेंगे और एज इट इज एग्जाम के लेवल का होगा और एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ऐसा ही क्वेश्चन आते, पिछली बार भी आए थे। तो आपको चलो कोशिश करना है कि 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 10 क्वेश्चन के मैं भी डेली आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगर आप रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पा रहे हो क्लासेस तो जाओ चैनल पे विजिट करो, बहुत सारी क्लासेस मैंने रीजनिंग करा दी हैं, सारी प्रैक्टिस सेट को कर लो, ठीक है। और ये रीजनिंग क्लासेस जिस बुक से मैंने ली है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। बट स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूँ आपको कि अगर आप अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए और ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल भी सीरियस हो तो इस कोस्ट गार्ड का जो है ना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो परीक्षा है पे सेप्टेम्बर स्पेशल, उसको लगा के जाओ। और आपका एग्जाम सेप्टेम्बर में ही होगा। अब बस 5 दिन 4 दिन 2 दिन के अंदर आपको एग्जाम डेट पता चल जाएगा कब है। अभी से स्टार्ट कर दो जितना जल्दी हो सके, एग्जाम से पहले जितने भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है यहाँ पे परीक्षा ऐप पे, इसको लगा के खत्म कर लो। और इसमें गाइज आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा एग्जाम ए टू जेड 50 कोड को यूज करोगे तो परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ये कोड दे दूंगा, आप जाके जरूर आज ही करो इस टेस्ट सीरीज को बाय और अभी से टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दो, बिकॉज कहीं ना कहीं वैकेंसीज बहुत कम है और जो बच्चा आपसे पहले लगाएगा तो ऑब्वियसली वो ज्यादा अपना स्कोर ज्यादा कर पाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा स्कोर करना है तो परीक्षा पे टेस्ट लगाओ, ठीक है, सितंबर स्पेशल। अभी चलो रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं। अभी देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है 16 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। अभी क्या क्या रहेगी कि देखो, अगर इसमें से क्या निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखने के बाद अंतिम शब्द क्या होगा, लकड़ी, कुर्सी, बीज और पौधा, एक क्रम में सजाओ फिर अंतिम में कौन आएगा। देखो सबसे पहले क्या करोगे, पौधा से पहले क्या होता है, बीज आता है। अगर कोई बीज अगर आप लगा देते हो तो उसमें से क्या होगा, ये एक नंबर पे आ गया, उसमें से एक पौधा निकलेगा 2 नंबर पे, पौधा बड़ा हो जाएगा सूखने के बाद, उसे क्या निकलेगा, लकड़ी मिलेगा 3 नंबर पे। लकड़ी का इस्तेमाल हम लोग कुर्सी बनाने में कर सकते हैं या फिर अदर फर्नीचर में, बट ऑप्शन है हमारे पास कुर्सी, ठीक है। तो 4 नंबर पे, तो अंतिम में क्या आ गया, कुर्सी। तो इस बेसिस पे अपना अंतिम क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा भाई, कुर्सी, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर प्लस का मतलब बोल रहा है डिवाइडेड, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, तो इस इक्वेशन का वैल्यू निकालो। अभी प्लस का मतलब बोला है डिवाइड, तो ठीक है 16, डिवाइड का मतलब कह रहा हूँ वो क्या भाई, मल्टीप्लाई है, 2 + 8, मल्टीप्लाई का मतलब कह रहा है प्लस, ठीक है। तो ये 16, ठीक है, 16 × 3 = 48, ठीक है ना, × 2 + 8, 3 × 2 = 6 और 6 और 8 कितना होता है जोड़ने पे, 14, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ये सही है। तो जितने बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को ध्यान देना, वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके बताने हैं 10 में से कितने आपने सही किए। अगर जो बच्चा 10 में से 200 सही नहीं करता है उसको मेहनत ज़्यादा करनी होगी रीजनिंग के ऊपर, बिकॉज रीजनिंग के क्वेश्चंस 10 में से 200 सही नहीं करोगे तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। बहुत सारे बच्चे 10 में से 10 सही करेंगे। अभी देख रहे हो यहाँ पे दे रहा है इस वाले में कि ह्यूमिडिटी को UHMIIDTY लिखते हैं तो पॉलिटिक्स को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो गाइस यहाँ पे क्या क्या गया, HU को उलट दिया गया है UH, बाकी आने वाले अगले दो को एज इट इज लिखा गया है, फिर दो जो आ गया है उसको पलट दिया गया, फिर अगले वाले दो को एज इट इज लिख दिया गया, मतलब दो को पलटो, दो को सेम टू सेम लिखो, फिर दो को उलट दो, दो को सेम टू सेम, ये फॉलो करो। तो पॉलिटिक्स में PO को क्या लिखेंगे हम लोग, OP, तो OP लिख दो। अब LI को LI लिखेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि अगले दो को नहीं पलटना है। फिर LI के बाद क्या होगा, IT, TI को IT करोगे, तो देखो II एक बार किसके साथ में है, तो इस वाले में है OPLII, तो II आ रहा है एक साथ, ठीक है। तो बी नंबर जो है अपना बिल्कुल भी सही है आंसर, ओके। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है यहाँ पे गाइस कि एक कोड में अगर डॉग को 433 लिखते हैं तो उसी कोड में कैट को क्या लिखेंगे। गाइस देखो इस क्वेश्चन को बनाओ, कैट को क्या लिखेंगे, ऑप्शन आपके सामने है, और इसमें थोड़ा सा दिमाग को ज्यादा चला लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ये मतलब बेतुका सवाल दे रखा है, फिर भी आंसर सही आएगा। देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं, डी कितने नंबर पे होता है, 4 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे और जी 7 नंबर पे। अब यहाँ पे ओ को 3 लिखा है, जी को 3 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मतलब नहीं बनता। बट स्टार्ट ये देखो, हमको ये चीज़ पता चल रहा है डी 4 नंबर पे आता है तो 4 से शुरुआत कर दिया गया, बस यही चीज़ पकड़ के हम कर सकते थे आंसर। सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर से, तो 3 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ इसीलिए एक ही ऑप्शन दिया गया इसमें, ठीक है। तो क्या है, ए, ठीक है, बाकी किसी को 3 से स्टार्ट नहीं किया गया। रीज़न यही है क्योंकि वहीं से हमको आंसर ढूंढना था, ठीक है ना। तो चलो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 20 नंबर, देखो इस्टेब्लिशमेंट को बोल रहा है कि कौन सा वर्ड इस्टेब्लिशमेंट से मिलके नहीं बनता है, मेंटल, सेम, स्टेट, इसेंस, ठीक है। इसमें से देखो, अभी देखो मेंटल बन जाएगा MEN, ठीक है, फिर टी यहीं पर है,
ए और एल जोड़ के हम लोग बना सकते हैं, सेम भी बन जाएगा बिकॉज एस भी आता है, एच भी आता है, ए भी आता है, एम भी आता है और ई भी आता है, ठीक है। उस तरीके से ई स्टेट भी बन जाएगा, बट इसेंस में सी आ रहा है, दिख रहा है आपको, इसेंस में यहाँ पे सी आ गया। इस्टेब्लिशमेंट में कहीं भी सी नाम का कोई लेटर नहीं आया हुआ है, तो हम लोग इसेंस नामक वर्ड को इस्टेब्लिशमेंट का यूज़ करके नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखो, कह रहे ना इनमें से भिन्न को छाटिए, टका, पैसा, रियाल, ग्राम, इनमें से बताओ डिफरेंट कौन सा हो जाएगा। 21 नंबर में और 22 नंबर में कह रहा है सेव, केला, अंगूर, गाजर, दोनों को एक साथ कर लेते हैं। देखो टका भी किसी देश का पैसा है, मतलब करेंसी है, पैसा भी किसी ना किसी देश का करेंसी है, रियाल भी किसी ना किसी देश का करेंसी है, बट ग्राम क्या है, ये वेट मेजर करने का क्या है, एक मेजर करते हैं हम लोग ग्राम से, तो ये करेंसी नहीं है, तो ग्राम डिफरेंट हो गया। सेव क्या है, एक फ्रूट है, केला भी फ्रूट है, अंगूर भी फ्रूट है, बट गाजर को कुछ लोग अगर फ्रूट समझते हो तो गलती है, वेजिटेबल में काउंट किया जाता है गाजर को, ठीक है। तो ये गाजर वेजिटेबल है, बाकी सारे फ्रूट्स हैं। ग्राम क्या है, इसको हम लोग वेट मेजर करते हैं, बाकी करेंसी ये सभी हैं। आगे देखो, इसमें तो कह रहा है 23 नंबर में कि बेमेल छाटो, जो मेल नहीं खाता है उसको छाटो, 23 और 24 दोनों में। बहुत ईजी से क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आप फटाक से देख लोगे। देखो इसमें राइट साइड नीचे में है डार्क लाइनिंग, इसमें भी राइट साइड नीचे तीनों में, बट इसमें राइट साइड ऊपर में है, तो ऑब्वियस कि हमको अपने को सबसे डिफरेंट दिख गया होगा। वहीं पे अगर 24 नंबर देखा जाए ए बी सी डी में, तो कुछ लोग कहेंगे इन तीनों में ऊपर की साइड डार्क है और इसमें नीचे डार्क है, तो नहीं, इस बेसिस पे हम लोग नहीं कह सकते, ठीक है। इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे नहीं छाटेंगे। रीज़न, इसमें देखो चार बॉक्स हैं, ठीक है, इसके अंदर भी कितने हैं, चार बॉक्सेज है, इसके अंदर भी चार बॉक्सेज है और इसके अंदर थ्री बॉक्सेज हैं, तो डिफरेंट क्या हो गया अपना, ए, ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों ऊपर में तो हैं बट सेम डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। ये ऊपर में पूरा कवर किया गया, इसका ऊपर पूरा कवर किया, तो इसका भी ऊपर पूरा कवर थोड़ी है, नहीं ना, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए में तीन बॉक्सेज हैं, बाकी सब में चार चार बॉक्सेज हैं, सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है आगे, और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ये ए एफ के डी, इनमें से बताओ डिफरेंट कौन सा है भैया ए एफ के डी में से। देखो इसके दो आंसर निकल के आते हैं, पहला और दूसरा, दोनों में बताता हूँ। दो में से एग्जामिनर क्या आपको क्या समझ के दिया वो कोई फिक्स नहीं है, रिस्क है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आंसर फिक्स नहीं है, रिस्क है। अब देखो दो में आंसर कर सकता हूँ, पहला देखो इस बुक में क्या किया गया है, डी को काउंट किया गया है, बट मैं एक और ए निकाल सकता हूँ, रीज़न दोनों का परफेक्ट रीज़न मैं दे दूंगा, ठीक है। ए एक वोवेल है, बाकी सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम लोग ए को आंसर भी कर सकते हैं, इस आधार पे बिल्कुल भी सही होना चाहिए, मैं समझा रहा हूँ पूरा समझना। अब डी को क्यों अलग कर सकते हैं, देखो ए लिखने में तीन साइड्स का यूज़ कर रहे हैं, तीन भुजा हैं, एफ में भी तीन भुजा हैं, के में भी तीन भुजा हैं, डी में सिर्फ दो भुजा हैं, इस प्रकार बुक में कहा गया कि डी ये जो है डिफरेंट है सबसे, बट मैं कह रहा हूँ ए एक वोवेल है इसलिए भी इसको डिफरेंट माना जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं वोवेल पे आधारित जिसमें कि ए को डिफरेंट मान लिया जाता है, ठीक है। तो अब सवाल ये बनता है कि हम एग्जाम में आंसर किसको करेंगे, तो गाइज आंसर आप दोनों में से किसी को करो, अब यहाँ पे रिस्क है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने क्या सोच के क्वेश्चन दिया है, उसके दिमाग में क्या स्ट्राइक आया था, तो ये क्या समझ के क्वेश्चन दिया है, ठीक है। बट मेरी जहाँ तक राय हो नॉन वर्बल के सवाल, आप, मैं अगर रहता वहाँ पे जाके तो मैं डी को नहीं, मैं ए को करता, ठीक है, क्योंकि अगर अंग्रेजी का वर्ड है तो उसके अकॉर्डिंग ये वोवेल है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट है, बट बुक में डी दे रखा है, ठीक है। तो दोनों रीजन मैंने बता दिया, बाकी अब आपके ऊपर है। तो गाइस कितने क्वेश्चंस का आंसर आपने सही किया कमेंट करके बताना, और इसमें अगर किसी ने ए किया तो भी मैं सही काउंट करूंगा, जिसने डी किया तो भी सही काउंट करता हूँ, ठीक है, जो भी आपने आंसर किया मैं सही करूंगा, क्योंकि दोनों बेसिस पे सही है ये, ठीक है। बाकी गाइस कितने मार्क्स आए कमेंट करके बताना, और हाँ जाने से पहले एक बात कि आपको परीक्षा आपका टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, तो सीरियस हो तो सितंबर स्पेशल लगा के जाना, डीबी और जीडी दोनों का अलग अलग है, इससे फायदा ये होगा गाइस कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस विद द करंट अफेयर मिलेंगे, ठीक है, इसके अंदर करंट अफेयर भी मिल जाएंगे हाल फिलहाल वाले, आपको बहुत ही फायदेमंद होगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एग्जाम में बैठे हुए, और उनके बीच में आपको रैंक शो हो जाएगी कि वाकई आपका रैंक क्या है, ठीक है। तो इन सभी का फायदा उठाओ और रैंक को इम्प्रूव करो, जितने स्कोर कर पा रहे हो उसके अंदर तो हमेशा करो कि जो टॉपिक खराब है उसको अच्छा करके जाए और डेली रैंक अपनी हम सुधारते रहे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी के निशान है उसको ऑल प्ले जगह फिक्स कर देना, और कई दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हाँ इंपॉर्टेंट बात टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं रीजनिंग की, मैथ की, जीके की, साइंस की, इंग्लिश की, सारी की क्या करता हूँ मैं रेगुलर क्विजेज कराता हूँ, ठीक है, और आपके स्कोर भी पूछता हूँ कितने हैं, तो उसके लिए आप जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। चलो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।